हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्लान है 20 फीट बाई 30 फीट का है। 20 फीट इस प्लान का लेंथ है, 30 फीट इस प्लान का चौड़ाई है। चौड़ाई जो है 30 फीट है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और उसका जो लेंथ है 20 फीट है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अभी हम रोड पे हैं, रोड पे खड़े हैं, और इधर से हमारे घर में जाने का रास्ता है। यहाँ से एंट्री जो है, ये यहाँ से है मेन एंट्री। तो यहाँ से अभी हम अपने घर के अंदर जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 फीट 6 इंच, प्लान को अच्छे समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आखिर तक देखें। और ये ईस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 फीट 6 इंच है, जो कि हमारी बालकनी का चौड़ाई है, विड्थ है यहाँ पर। और यहाँ से जो सेंटर में आप देख रहे हैं 3 फीट 6 इंच है, और यहाँ पे भी है 2 फीट 6 इंच है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से बालकनी डिज़ाइन किया गया था कि हमारे घर का जो लुक है देखने में अच्छा लगे। और ये वन साइड ओपन प्लॉट है, इसका जो फेस है पूरब दिशा की तरफ है। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्टेप्स बनाए गए हैं, जो कि रोड रोड की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं, जो कि हमारे प्लॉट है जैसे थोड़े से बाहर हैं। 1-2 स्टेप्स अगर चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि बीच में गैप है, रोड से बीच में गैप है। तो यहाँ पर आप 2 स्टेप बना के ऊपर अपने घर के अंदर जा सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डी जो लिखा हुआ है, ये जो मैं थोड़ा जूम इसलिए किया हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे एक डी है, जो कि 4 फीट चौड़ा है, दरवाजा है। यहाँ पे डब्ल्यू है, इसका जो साइज है यहाँ पे 2 फीट चौड़ा है। तो यहाँ से जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर इसी के सीढ़ियों के नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। और यहाँ से आगे जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियों की लाइन है। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ से ऊपर मतलब हमारी जो मिड लैंडिंग है उससे ऊपर जा रही हैं। यहाँ से इसके नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 3 फीट चौड़ाई है यहाँ पे विड्थ है। यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ अप हो रही हैं, और यहाँ से होते हुए ये 1 2 3 4 स्टेप्स ऐसे होते हुए यहाँ पे तक आएंगे, तो यहाँ तक हाइट मिल जाएगी 7 फीट की। और इसके नीचे हमारे ये डोर पीस हो जाएगा, और इधर से हम अपने घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर जो आपको जाने के लिए रास्ता मिलेगा, यहाँ पर 2 फीट 5 इंच का यहाँ पर लगभग 2.5 फीट का चौड़ा पैसेज मिल जाएगा। तो इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो चौड़ा पैसेज चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच है। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये 10 फीट 8 इंच है। यहाँ पे एक हॉल है, ये जो है हॉल है, इसका लेंथ जो है 10 फीट 8 इंच है, 8 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ पर। और यहाँ पर एक किचन प्रोवाइड किया गया है। किचन का जो यहाँ पर साइज है 7 फीट है लेंथ में, और 5 फीट इसका चौड़ाई है। ये ओपन किचन है यहाँ पे। और यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है, विंडो 3 फीट बाई 4 फीट का है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, जो कि 4 लोग के बैठने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छे से आप चाहें तो यहाँ पे भी सीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक विंडो मिल जाता है, विंडो का यहाँ पर जो साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट का है। इसी के सामने से यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है, हॉल से ही हम अपने इस बेडरूम में जाएंगे। तो ये हमारा बेडरूम 1 है। यहाँ पे 9 फीट 6 इंच इसका विड्थ है, इस डायरेक्शन में लेंथ है, ये सॉरी लेंथ है, 9 फीट 6 इंच लेंथ है, और 8 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें जाने के लिए एक डोर मिल जाता है, डोर का जो साइज़ है यहाँ पे 3 फीट चौड़ा है। यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है, जो कि रोड फेस पे ओपन होती है। तो यहाँ पे इस रूम के लिए जो उजाला का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का बड़ा विंडो मिलता है। तो अभी चलिए अभी देखते हैं हमारे इस वाले बेडरूम में। यहाँ से हॉल से ही हमारे बेडरूम नंबर 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें भी जाने के लिए 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है। और यहाँ पे जो इस कमरे का जो साइज़ है, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बड़ा रूम मिलता है, 13 फीट लेंथ में है, 10 फीट विड्थ है, और यहाँ पर 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड प्लेस किया गया है। यहाँ पर एक विंडो मिल जाता है, जो कि शाफ्ट वाली वॉल पर है। तो इसके लिए जो लाइटिंग का नेचुरल लाइट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। इस शाफ्ट के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा। तो अभी चलते हैं हॉल में, और हॉल से अपने इस टॉयलेट में जा सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डोर है 2.5 फीट बाई 7 फीट का, 6 फीट 6 इंच लेंथ है इस टॉयलेट एंड बाथ का, और 4 फीट 4 इंच का विड्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बात करते हैं, यहाँ पर इसके लिए जो वेंटिलेशन है, जो शाफ्ट वाली वॉल पर है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो जो स्मेल होगा वो पीछे से साफ से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी आ जाते हैं इस वाले रूम में, रूम्स को देखते हैं। यहाँ पे ये जो रूम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे
ये जो यहाँ पे इसका जो लेंथ है 11 फीट है और 10 फीट इसका विड्थ है। यहाँ पे एक 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाएगा और यहाँ पे भी विंडो सेम ही है जो कि हमारे इस वाले शाफ्ट वाली दीवार पे ओपन होता है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो यहाँ पे इसमें 3 रूम्स विथ 1 टॉयलेट 1 किचन और 1 हॉल के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइज की और कॉलम पोजीशन की। तो जो आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं ये सारे ब्लू ये सारे कॉलम्स हैं जिनका जो साइज़ है 9 इंच बाय 9 इंच का है, जो कि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल साइज की बात करें तो ये वॉल साइज जो है 5 इंचज़ की वॉल है पीछे की जो वॉल है, और यहाँ पे जो है ये सारी जो वॉल्स हैं बाहर की वो भी 5 इंचज़ की इसमें डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें इसकी इसका जो आप देख रहे हैं सीढ़ियों की। तो यहाँ पे स्टेयर्स का जो विड्थ है 3 फीट है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।